नमस्ते, मेरा नाम नागेंद्र यादव है। आज हम घर में रहिए सुरक्षित रहिए। आज हम जिस कविता को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पद। ये पद सूरदास जी द्वारा रचित है। सूरदास जी ने इस पद में क्या बताया है, पहले आप यह सुन लीजिए। यह बात उस समय की है जब श्री कृष्ण गोकुल गांव अपना निवास स्थान छोड़कर मथुरा चले गए थे। तब गोपियों से उन्होंने वादा किया था कि वो बहुत जल्द वापस लौट आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये वादा उन्होंने गोपियों से किया था। श्री कृष्ण जब काफ़ी दिनों के बाद भी जब नहीं लौट पाए तो उन्होंने अपने मित्र उद्धव को गोकुल भेज दिया और ये कहा कि वहाँ के निवासियों को योग की शिक्षा दे के आए। और जब वे आए, गोपियों से मिले, तो गोपियाँ अत्यधिक क्रोधित हो जाती हैं। उसका कारण यही था कि जहाँ उनको उम्मीद थी कि श्री कृष्ण लौट आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण की जगह उद्धव आ जाते हैं, तो उनको यह एहसास होता है कि श्री कृष्ण के आने की उम्मीद हमें छोड़ देनी चाहिए। इसी बात पे वे गुस्सा हो जाती हैं और ये सारा गुस्सा उद्धव पर निकलता है। गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हैं और अपना गुस्सा निकालती हैं। इसी बात पे यहाँ सूरदास जी ने चार पद लिखे हैं। चारों पदों को हम एक एक कर पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यह पहला पद, पहले पद में हम पहली दो लाइनों से शुरू करते हैं। उधो तुम हो अत बड़भागी। उधो माने उधो, तुम माने तुम, हो माने तो, अति माने अति, बड़भागी माने भाग्यशाली। हे उधो, तुम तो अति भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस माने दूर, अपरस माने दूर, रहत माने रहत, स्नेह माने प्रेम, तगा माने धागा, तय माने से, नाहिन माने नहीं, मन माने मन, अनुरागी माने प्रेम। तुम प्रेम के धागे से दूर रहते हो और नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन किसी के प्रेम में नहीं लगता है। कहने का मतलब है, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारा बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम स्नेह रूपी धागे से कभी बंधे ही नहीं हो, तुम्हारा मन किसी के प्रेम में लिप्त ही नहीं हुआ है। अगली दो लाइन पढ़ेंगे अब। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यों जल माहि तेल की गागरी बूद न ताक्यो लागी। पुरैन माने कमल पात माने पत्ता, रहत माने रहत, जल भीतर माने जल के भीतर। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर होते भी तारस बूद न दागी, उस पे रस माने पानी की बूद का दाग, उस शरीर माने पत्ते का शरीर नहीं लगता है। जिस तरह से कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी उस पर बूंद का दाग तक नहीं लगता है, नहीं लगता है। और जो जल माह तेल की गागरी, जो माने जैसे, माह माने में, गागरी माने मटकी, इसी तरह से तेल की मटकी जल के भीतर रहते हुए भी उस पर बूंद तक नहीं ठहरती। बूंद ताक्यो लागी, ताक्यो मन उस पर नहीं ठहरती, बूंद तक नहीं ठहरती। ठीक उसी प्रकार हे उद्धव, तुम पर भी प्रेम की बूंद अर्थात प्रेम का दाग लगा ही नहीं है। प्रीत नदी में पाँव ने बोरियो दृष्टि निरूप परागी। प्रीत माने प्रेम, पाँव माने पैर, डुबोरियो माने डुबोया।
परागी माने मुग्ध होना, दिष्ट माने नजर या दिष्ट। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुमने तो प्रेम रूपी नदी में पैर डुबोया ही नहीं है, तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप में आकर्षित ही नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाट ज्यों पागी। सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कह रही हैं कि हम तो भोली भाली अबला नारियाँ हैं। अबला माने अबला अपने लिए गोपियाँ कह रही, हम माने अपने लिए गोपियाँ, भोली माने भोली, गुड़ माने गुड़ कृष्ण के लिए, और चाटी माने चीटी गोपी के लिए है, और पागी माने लिपट जाना। जिस प्रकार चीटियाँ कह रही कि हम तो, सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कह रही हैं कि हम तो भोली भाली अबला नारियाँ हैं, जिस प्रकार चीटियाँ गुड़ पर चिपक जाती हैं और चाहकर भी उससे अलग नहीं हो पाती हैं तथा वहीं प्राण त्याग देती हैं, ठीक वैसे ही हम श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो चुकी हैं, उनके बिना हम अलग नहीं रह सकती हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट पद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।